हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 1 जनवरी 2023 एंड हाँ, आज नए साल का फर्स्ट डे है। नए साल की आपको और आपके फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी लेके आए, तो आज भी हमारा जो दिन है वो यूनिक है, तो आज को दिन को भी हम मेमोरेबल बनाएंगे। तो आज जो भी एक्टिविटी करेंगे पूरे दिन की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, कल पार्टी 31st की बहुत ही अच्छी रही। हाँ, आज लगभग सुबह की 9 बज चुकी है, जस्ट मैं अभी उठा हूँ और आप भी देख रहे होंगे मेरा मूड सूझा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने स्नान वगैरह कुछ नहीं किया है। उठते ही मोबाइल हाथ में लिया है और शूट करना स्टार्ट कर दिया है। हर साल की तरह मेरी मम्मी जी है, वो सुबह ही हम सबको उठाती है और हलवा बनाती है। अब हलवा मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, चाय आई है, पर चाय आने से पहले वो सब हलवा खा रहे हैं। ये है गुड़ और आटे का हलवा। एंड सबसे पहले हमको जो इसको खाना है, फिर उसके बाद में चाय वगैरह जो भी करना है वो करो। क्यों? डे का फर्स्ट डे है और आपका मुंह जो है वो मीठा होना जरूरी है। A few moments later, तो रेडी हो चुके हैं नहा धो के। एंड हाँ, आज का कोई प्लान फिक्स नहीं है। जैसे भी कोई एक्टिविटी करते हैं मैं अपडेट करता रहूँगा। डेली लाइफ में जैसा रूटीन होता है वही रूटीन है हमारा, पर कुछ तो यूनिक करेंगे। हाँ, 2023 के मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं, तो 2023 में हम पूरा करेंगे उनको। और ड्रीम्स भी है और काफ़ी सारे प्लान्स बनाए हुए हैं। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे आपके सामने रिवील होते रहेंगे। 2023 में सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर रख के अपने जो फोकस करना है वो सिर्फ गोल पे करना है। सो हम वापस आए हैं होटल बद्री पैलेस, जहाँ कल रात को पार्टी थी। मैडम की जो फोटोज़ क्लिक की थी वो उनको ड्राइव में देनी है, तो उसके लिए आए और सूर्य के नमकीन लेके आया हूँ मैं। होपफुली इनको पसंद आएंगे। मिर्ची बड़ा फेमस है जोधपुर के, सबसे फेमस मिर्ची बड़ा है। तीखा तो मिर्ची खाएंगे साथ में, तो तीखा लगेगा। सूर्य नमकीन फेमस वही है। इनका बहुत अच्छा काम है। कीर्ति वैसे मैडम का प्लान ही था मिर्ची वड़ा खाने का, और हम लेके आ गए रैंडमली। पहले मैं SRS का काम करता था, बट खुद का ही करता हूँ। ओनली आर्टिस्ट फोटोग्राफर्स का। कैसा लगा मैडम मिर्ची वड़ा? तीखा है मसाला। ये मिर्ची तो मैं खा नहीं पाऊंगी, साथ में नहीं खाएगा। मिर्ची ट्राई करो साथ में, ट्राई करो एक बार। जुकाम होगा, जुकाम खुल जाएगा आपका। जुकाम अगर होगा ना खुल जाएगा। नेक्स्ट प्लान है कोई? हमारे यहाँ ना नरेन टॉकीज का आलू बड़ा मिलता है। हाँ, मतलब वो अगर आप खा लो ना तो ये तेल है जब के मिर्ची बड़ा है। हाँ, वो पूरा रेड मिर्ची में बना होता है। समोसा ट्राई करो, समोसा समोसा भी है इसमें। हाँ, समोसा थोड़ा सा समोसे क्या है ना ऊपर वाला हिस्सा का वो। आप कोई सिटी नहीं कर दिया? फॉलो कर दिया आपको रात को ही। मैम ये आपकी होटल है ना? अच्छा, टाइम हो गया ओपनिंग में? 2012 में, तब से आपकी है ना? अच्छा, आपके आप हस्बैंड बड़े भाई साहब। मैं बैग लेके आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। मालिक 30 साल उम्र है। 30 साल? आप 25-26 साल तो होंगे। आप ही फोटो क्लिक कर दीजिए। मैं आपने 30 साल उम्र की हो तो भगवान नहीं है मैंने तो इतनी तो बात हो सारी सीधा जरूर है बस पैसा वसूल हो गया। ओह माय गॉड, जैसे ताजे ने ऐसे ऐसे किया जिससे वो फोटो खिंचवाने के लिए लोग वहां गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, वो डांस कर रही है उसकी और ऐसे ऐसे करके जैसे इन्होंने जैसे वाइप वाइप डाल दी उसने। पहला वाटर रोज का वसूल हो गया। वो सबसे लास्ट में गई है,
भाई उसका पैसा वसूल हो गया। तो हम आए हैं बाबू भाई मिठाई वाला, बाबू भाई नमकीन वाला, मिठाई वाला पास में। तो यहाँ पे लेंगे दही कचौरी, देखते हैं। और तिरंगा कोफ्ता यहाँ का फेमस है, तो ये देखो ये तिरंगा कोफ्ता, यहाँ का फेमस कोफ्ता है ये। मतलब पनीर होती है बीच में, उसके ऊपर दो तरह की और ग्रीन और रेड पेटीज होती है। भैया ये दो करना है ना। तिरंगा कोफ्ता जो है दिक्कत हो में कैसा होता है, ये देखो ये बात, ये ग्रीन आलू की पेटीज है, उसके ऊपर ये बीच में है पनीर की लेयर, उसके ऊपर एक और रेड कलर की आलू की पेटीज है। और ये है तिरंगा कोफ्ता, इस पर आएगा ये रेड चटनी और ये ग्रीन चटनी, तो ये है और काफ़ी टेस्टी है। क्या सोचते हैं भाई, बाकी ये फेमस है यहाँ का और टेस्ट में एक नंबर है। 35 rupees का ये आता है, तीन दिन हो गए 35 rupees इसकी प्राइस हो गई है, तीन ही पहले 30 rupees का आया है। तो हमने एक ऑर्डर किया है यहाँ पर दही कचौरी, ये भी यहाँ की फेमस है, 80 rupees की पेड़ आती है। थैंक यू। लो भाई देखो, मैं भारी पड़ेगी भाई, हिम्मत करना। दो नाना ने एक कार्ड और मंगाया, ये भारी पड़ जाएगी तो कार्ड कैसे पाएगा। तो ये आ चुका है आलू का पराठा, ये है 100 rupees का एक पराठा। मुझे लगता है शायद 100 rupees ज़्यादा है, क्योंकि सबसे कम दूसरा बटर है। तो ये बटर है अमूल का और साथ में योगर्ट और अचार, ये इसके आलू की प्लकिंग। मैं मिंत्रा से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, वो प्रोडक्ट जो है वो आ चुके हैं। कितना आइटम आया भैया? तो दो दिन पहले मैंने ऑर्डर दिए थे मिंत्रा के, तो उसमें से दो प्रोडक्ट आए हैं, नया लेके आया है, तो आज से भी मिसिव हो गया ये। तो इस साल का ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन मैंने पाया किया। एंड यहाँ पर ये नींद से उड़ के आया, मुझे लगता है रात को पार्टी में फुल धमाल किया इसने। क्या आया ये? दो आया एक साथ में, दो 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 दो। हाँ अच्छा इसका है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने वीडियोस जो है वो एडिटिंग किए, कुछ रील्स वगैरह एडिटिंग की मैडम की। एंड उसके बाद में अभी चिल करने बाहर आए हम, और एक प्लेस जो है जो जोधपुर की फेमस है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है तूर जी का जालरा, और जिसको सजाया गया है लाइटिंग से, और क्राउड भी देख लो आप बस कितना है यहाँ पे। वहाँ पर भाई का फ़ोन जो है वो पानी में गिर गया, भाई ने पानी में से निकाला है फ़ोन वापस। ठीक है, नाल के पास ही गिरा वरना फोन बस हुआ जाता भाई का फ़ोन। अब आईफोन हुआ तो बच जाएगा। चाचा गिर जाओगे, चाचा बैग बैग मत आइयो भाई, वो फॉरेनर है, कहाँ का जा रहा है पता नहीं, कहाँ का जा रहा है भाई। तो अब शाम हो गई है, तो अब थोड़ा और दिख रहा होगा आपको व्यू अच्छा। सो यू कैन सी ये है न्यू ईयर का पहला चांद। भाई उसको फोन अभी तक मिला नहीं है, जरा अभी भी ढूंढ रहा है वो। यहाँ कहीं तो पड़ा है, यहाँ कहीं तो पड़ा है भाई। बहुत बहुत बुरा होगा बेचारे का नया साल, इसका क्या नया साल खराब हो गया, नया साल खराब होगा बेचारे का, फोन गया उसका। क्लाउड जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, मतलब काफ़ी लोग आ चुके हैं, टाइम से निकल लेते हैं यहाँ से। और हाँ एक और प्लान है हमारा, हम जाएंगे शायद कैफे, तो मे भी मिलते हैं कैफे में।
बाकी टूरिज्म जो है काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे ट्रैवल करके, और मे बी इन्होंने काफ़ी मतलब शायद पार्टीज हुई है यहाँ जोधपुर में, जो कि फॉरेनर्स ने काफ़ी एंजॉयमेंट किया है यहाँ जोधपुर में। सारे फॉरेनर्स जो है मोस्टली यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आएंगे, ये एक्सपोर्ट ही ऐसा है। पर मोहल्ले के लड़के दिवाली बना रहे हैं आज। सो मैं आया हूँ सोस्टी गेट, ये है जोधपुर का चाट बाजार। तो पैकिंग करवाते हैं यहाँ की, आप देख सकते हो हाँ न्यू ईयर का रस जो है वो काफी रस है, आप देख सकते हो अच्छा खासा लोग। भैया दो पैक करने हैं ना दो सर। यहाँ पर है ये पाव भाजी, साथ में ही सामने है ये छोले भटूरे वगैरह, आलू टिक्की है, आलू टिक्की आइसक्रीम। भैया सुनो ये टिक्की करना, आलू टिक्की बोतल दो, बोतल रबड़ी की बोतल, एक 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 एक। तो ये है रबड़ी की बोतल एंड यहाँ पर भी फेमस है ये। डोसा पैक हो गया, पाव भाजी पैक हो गई, अब करना एक सैंडविच, सैंडविच पैक कर दो ना, अच्छा चीज है ना। ना छोटू ठीक है। ये लो डोसा सैंडविच पाव भाजी, कर लो पार्टी। तो मैं और पवन आए हैं यहाँ पर द ट्री कैफे, ये मोस्टली मतलब सप्ते में कभी एक दो बार आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा एडवेंस से करना पड़ता है आपको, यहाँ पे आपको ऐसे चढ़ना पड़ेगा ऊपर, अगर पाँव गए अंदर तो गए। ये कैफे द ट्री एडवेंचर इसलिए है क्योंकि ये द ट्री कैफे का इसका नाम है, तो इसलिए एडवेंचर है यहाँ पर। रात के लगभग 12:15 बज चुकी है, हम आए अरोड़ा पान, यहाँ पे हमने लिया है पान 56 बोल मिला है। तो आज के ब्लॉग को यही प्लान करते हैं, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और हाँ आज तो वैसे भी दिन स्टार्ट हुआ है, साल स्टार्ट हुआ है, तो आपको आने वाला टाइम में काफ़ी सारे अपडेट मिलते रहेंगे। बाय।